नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा में बारिश के बीच चुनावी माहौल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में नहीं चूक रहे। आष्टा नगर पालिका चुनाव में भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर पोस्टर वॉर कर रहे हैं, जिससे शहर की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व नपाध्यक्ष कैलाश परमार ने फेसबुक पर क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालविया के पुत्रों पर गरीब का हक छीनकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। साथ ही इस संबंध में दस्तावेज भी दिखाए हैं, जिसमें कोठरी नगर परिषद अंतर्गत विधायक पुत्र दिनेश और महिपाल का आवास योजना में लाभ लेना भी दर्शाया गया है। इसमें भाजपा की किरकिरी हो रही है। श्री परमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आष्टा नगर पालिका में 2216 लोग अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधायक ने आज तक नगर में अपनी निधि से एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इस पर विधायक रघुनाथ सिंह मालविया ने आरोपों को निराधार बताया है। मैंने फेसबुक के माध्यम से भी ये बात कही थी और आज फिर आपको सामने दोहरा रहा हूँ कि करीब 2216 लोग आष्टा नगर में ऐसे हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके नाम आकर वो योजना में सम्मिलित हो जाने थे, स्वीकृत हो जाने थे, पर वो नहीं हुए। परंतु विधायक जी के दो बेटों के नाम कोठरी नगर परिषद में सम्मिलित हो गए। अब माननीय विधायक जी जो काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं कि अपने परिवार के लिए करते हैं? मैं डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ, इसमें उल्लेखित है कि उनके दोनों बेटों के नाम इसमें स्पष्ट हैं और उनकी बलियत माननीय रघुनाथ सिंह जी मालवीय और आगे MLA भी लिखा हुआ है। आप दोनों का नाम देख सकते। ऐसा दुरुपयोग है कि जिसके ऊपर जनता का ध्यान जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए और उसमें वो अपने दो पुत्रों को, एक दिनेश और एक महिपाल को स्वीकृत कराते हैं और वो उस नगर के निवासी हैं कोठड़ी के। आप वहाँ के दो पात्र लोगों का नाम हटवा के और अपने दो पुत्रों का नाम लाते हैं, जबकि आप विधायक हैं, आप तो हर दृष्टि से अब सक्षम हो गए हैं। हमारा यही कहना है, हम तो जो जनसंपर्क में जा रहे हैं तो हम लोगों को कह रहे हैं कि आपका, हम जैसे ही हम पार्षद बने और पार्षद बनने के बाद अगर पार्षदों ने हमें अध्यक्ष चुन दिया और या पार्षद भी हम रहे तो हम सबको जो पात्र लोग हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित कराएंगे और उनको लाभ दिलाएंगे। बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी को आष्टा की जनता ने चुना है और आष्टा में लगभग 28-30% नागरिक आष्टा विधानसभा के या निवास करते हैं, पर माननीय विधायक जी ने एक भी नया पैसा अपनी विधायक निधि से आष्टा नगर के लिए नहीं दिया है और वो आष्टा नगर की राजनीति करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए वार्ड हैं उन्हीं में अपनी राशि दे देते, चलो उनको कांग्रेस से परहेज नहीं देते, अपने पार्षदों को ही वो राशि दे देते, पर उन्होंने नहीं दी। ऐसी की ऐसी स्थिति, जब ऑक्सीजन प्लांट कोरोना काल में बनने की बात आई तो पड़ोस के विधायक श्री सज्जन सिंह जी वर्मा ने 25 लाख रुपए दिए और तो और मैंने भी उसमें 1 लाख रुपए अपनी व्यक्तिगत निधि दी, परंतु माननीय विधायक जी सिर्फ फीता काटने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने आष्टा नगर को विधायक निधि से कोई राशि क्यों नहीं दी? माननीय कैलाश जी परमार एक वकील भी है और समझदार व्यक्ति भी है, लेकिन उस व्यक्ति को इस तरह का निराधार आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। अभी तक मेरे बेटों का नाम जो लिया है, अभी तक मेरे बेटों को कोई भी आवास नहीं मिला है और ये लिस्ट जो आप बता रहे थे, इस लिस्ट में नाम हो सकता है सर्वे में, सर्वे चलते रहता है, आष्टा नगर में भी चलता है, कोठी में चलता है, जावर में भी चला है। अब अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा, कर्मचारियों ने जो सर्वे किया होगा तो हो सकता है मेरे मकान भी कच्चे हैं, कच्चे मकान का सर्वे हुआ होगा तो लिस्ट में नाम मैंने ना जुड़वाया ना जोड़ा है ना हो गया, लेकिन अभी तक मेरे दोनों बेटे के नाम से एक पैसा भी नहीं लिया गया है, ना कोई हमारे मालूम है कि आवास में नाम जुड़ा है। हो सकता है अधिकारी कर्मचारियों ने जो सर्वे किया उसमें आ गया होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की योजना का लाभ हमारे बड़े से बड़े किसान भी लेते हैं, छोटे किसान भी लेते हैं और सभी व्यापारी भाई भी लेते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, सारे लाभ मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्रीय सरकार का लाभ सबको मिलता है। तो क्या
अगर नाम भी आया है तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या विधायक को वो लाभ नहीं मिलना चाहिए? विधायक के बेटे, उनकी समग्र आइडिया अलग है, उनका अपना परिवार अलग है, उसके बावजूद भी इनको किसी प्रकार की शंका है तो प्रमाणित करें। साथ साथ मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ। आष्टा से खबर समझ जगत के लिए नीरज सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।